गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयलर मॉडिफाइड मेथड। इसमें देखिए हमें क्या कहा है कि हमें आयलर मॉडिफाइड मेथड का यूज़ करके ये हमें एक इनिशियल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम दी है, इसको सॉल्व करना। दैट मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 3x प्लस वाई बाई टू। और इन्होंने हमें एक दिया है फॉर x इज इक्वल टू 0.3 एंड एच इज इक्वल्स टू 0.1। हमें y निकालना है जब x क्या है 0.3 है, h कितना चलेगा क्वेश्चन में 0.1। इनिशियल कंडीशन क्या दी है, जब x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम अपना मेथड शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। हमने आप अपनी हेडर फाइल ले ली, studio.h, stdio.h, conio.h, math के फंक्शन यूज़ करेंगे इसलिए math.h। अब जब भी मैंने आपको बताया एक फंक्शन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन अलग बनेगा। तो ये फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर x और y दो थे हमारे पैरामीटर, दोनों ले लिए हैं। रिटर्न क्या करेगा, 3 x प्लस वाई बाई टू। तो देखो ये सेम है यहाँ पे। अब जब भी f का हम बोलेंगे कहीं पे भी f 1 2 निकालो, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ, पुट करो आंसर 3 4 निकालो, f ऑफ 3 4। x की जगह 3, y की जगह 4 यहाँ रखो, आंसर ऐसे आ जाएगा। अब हमने मेन शुरू किया तो void main, फिर हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली इस लाइन में। इसके बाद अगर मैं लगाना चाहूँ तो यहाँ क्या लगेगी, क्लियर स्क्रीन। ये क्या लगेगी, क्लियर स्क्रीन, clrscr पैरेंथेसिस और सेमीकॉलन। अब आपको स्क्रीन पे बताना है यूज़र को कि आपको किस किस की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसलिए आपने लिख दिया है प्रिंट एफ में एंटर द वैल्यूज ऑफ एक्स एच एक्स नॉट वाई नॉट एरर। ये ई आर आर का मतलब क्या है, एरर है, अलाउड एरर। क्योंकि देखो जब हम एक कैलकुलेटर में अगर हम किसी चीज़ का आंसर निकाल लें तो आंसर बहुत बड़ा, जैसे 1.4135 ऐसे करके आएगा बहुत बड़ा। लेकिन अगर मैं उसको खुद कैलकुलेट करूँगी तो मैं कहाँ तक चली जाऊँगी, 1.41 बस मैक्सिमम इतना। तो जो पीछे वाला पार्ट रह गया है वो तो एग्जैक्ट था ना। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, एक सपोज कर लो मेरा आंसर आना था 1.41345967, ये कैलकुलेटर के थ्रू है। लेकिन जब मैंने मैनुअली मतलब हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 1.41। एग्जैक्ट तो ये था, ये मैंने निकाला है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं चेक करूँ, इन दोनों को डिफरेंस निकालूँ तो कितना डिफरेंस आएगा, 0.003459 67। ये ही क्या है, एरर है मेरा। एरर मतलब जो एग्जैक्ट माइनस जो मैंने निकाला है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इतना एरर चल सकता है। तो मैं जैसे बोल दूँ कि भाई आप एक टू मतलब पॉइंट के बाद 0.02 इतना एरर चल जाएगा, मतलब दो वैल्यूज में अगर इतना डिफरेंस होगा तो वो वैल्यूज आप सेम ही मान लेना, तो ये अलाउड एरर होता है। अब जैसे ही स्क्रीन पे लाइन लिखी आई तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमने देखिए अब वैल्यूज देनी शुरू की। तो वैल्यूज दे दी, जैसे मैंने लिख दिया है x के लिए 0.3, h के लिए मैंने लिखा है 0.1, x नॉट के लिए 0, y नॉट के लिए 1, अलाउड एरर कितना दिया है मैंने 0.001। तो अब मैंने ये वैल्यूज लिखी है तो कंप्यूटर के अंदर कैसे जाएंगे, इनके प्लेसेस पे ये जाएंगे स्कैन एफ से। देखो यहाँ पे स्कैन एफ यूज हुआ, ये रहा स्कैन एफ। तो फर्स्ट वाली जाएगी x के पास, दूसरी जाएगी h के पास, तीसरी x नॉट, चौथी y नॉट, और जो लास्ट वाली है वो जाएगी अलाउड एरर में। अब मैंने फिर से जो मैंने कल आपको बताया था आयलर वाले लास्ट प्रोग्राम में, तो x नॉट की ही वैल्यू किस चली जाएगी x1 में, y नॉट की वैल्यू चली जाएगी y1 में। फिर हम चेक करेंगे सेम आयलर की ही तरह कि हमारा जो x1 है क्या वो छोटा है x से। x क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट x था ना 0.3 और x1 कितना है, x नॉट ही तो है x1, दैट इज 0, तो छोटा है 0.3। कैसा है, बड़ा है किससे, जीरो से। तो वाई सी क्या है, वाई वन ही आ जाए। तो आपको बेसिकली देखो यहाँ पे करना क्या रहेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको आपको एक रफ टेस्ट करके दिखा देती हूँ यहाँ से क्या बनेगा। तो देखिए मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, एक्स में क्या गया है 0, ये था एक्स, सॉरी 0.3 है, थोड़ा बड़ा स्पेस ले लेते हैं 0.3। देन h में गया है 0.1, x नॉट इज 0,
वाई नॉट इज वन एंड अलाउड एरर ए आर ए ई आर आर दैट इज 0.0001। अब देखिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है, x1 में डाल दिया x0 को, तो x1 के अंदर कितना चला गया जो x0 था, x0 कितना था 0, तो x1 भी कितना बन गया 0। y1 में कितना चला गया y0, तो y0 कितना था 1, तो इसमें आ गया 1। फिर मैंने चेक किया है क्या x1 छोटा है x से, x1 कितना है 0, x कितना है 0.3, क्या ये ट्रू है, ट्रू अंदर आएगा। तो वाई सी कितना बन जाएगा वाई वन, दैट इज वाई वन कितना था 1, तो अब वाई सी में कितना जाके बैठ गया 1। अब वाई वन इसने क्या कह दिया है, वाई वन आएगा वाई वन, वाई वन अब कौन सा यूज़ करोगे जो ऊपर निकला हुआ है पहले ही, तो वो 1 था, प्लस एच कितना है 0.1 इंटू में एफ ऑफ एक्स वन कितना है 0, वाई वन कितना है 1, ये बनेगी लाइन। तो देखो जैसे ही ये आया आपका तो एफ आ गया ना इसमें, तो एफ की वजह से अब प्रोग्राम कहाँ जाएगा, एफ के पास यहाँ आएगा, वो आपको पूछेगा जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, एक्स की जगह क्या जाएगा 0, वाई की जगह 1, रिटर्न कर देगा 3 इंटू एक्स मतलब 0 प्लस वाई मतलब 1/2, दैट इज 1/2, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0.5 बन जाएगा ना, 1 प्लस 2 में 0.5, ये आपका वाई वन आ जाएगा, 1 प्लस में 0.05 ये बन गया वाई वन। अब ये क्या कह रहा है, करेक्टेड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वाई सी वन निकालने के लिए वाई सी, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, वाई सी वन निकालना है, तो इसमें क्या कहा इक्वल टू वाई सी, वाई सी कितना है, वाई सी इज 1 इंटू में सॉरी प्लस में यहाँ पे क्या है एच है, एच इज 0.1 इंटू में एफ ऑफ एक्स वन कितना था 0, वाई सी कितना है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच, एक्स वन कितना है 0 प्लस एच कितना है 0.1 कॉमा एच, वाई वन कितना है, वाई वन अभी आया है ये वाला, तो ये यूज़ होगा। देखो वाई वन में ना एक ही जगह है, उसमें पहले 1 था, अब जैसे ही y1 ये आ गया तो ये इसको हटा के यहाँ क्या रख देगा 1.05, मतलब जो भी नई वैल्यू आएगी बाय 2 ये निकल जाएगा यहाँ से, ये निकाल लोगे आप, फिर आपका वाई सी 1 आ गया। फिर आप क्या कर रहे हो, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एच, तो एक्स वन कितना था यहाँ पे देखो 0, तो अब नया एक्स वन क्या बन जाएगा 0 प्लस 0.1 दैट इज 0.1, तो एक्स वन में जहाँ पे पहले 0 था वहाँ क्या आके बैठ जाएगा 0.1। अब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ वाई क्या आएगी यहाँ पे, ये वाली आ जाएगी, एक्स की जगह पे ये परसेंटेज एफ में ये वाली आ जाएगी यहाँ पे एक्स वन की, तो देखो ये वैल्यू शिफ्ट कैलकुलेट हो जाएगी, ये आ गई। फिर आप क्या करोगे, फिर चेक करोगे, अब फिर से वाइल लूप चलता रहेगा, फिर वैल्यू आएंगी, फिर वाइल लूप चलेगा, फिर वैल्यू आएगी, कब तक चलेगा, जब तक ये जो कंडीशन है ये आपकी कैसी होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी, तब तक ये चलता रहेगा, लास्ट में जाके आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो इसको आप रीड आउट कर ले, कोई डाउट हो तो मुझे बता दें।